नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 6 में एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी में प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। जो भी इसकी बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उनको आज के सेशन में देखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टीज आती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट रेफर टू द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द हीट दैट वी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी, कितनी हीट की आवश्यकता पड़ती है बाय 1 डिग्री। ठीक है, किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट की आवश्यकता पड़ती है? दैट वी नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन इक्विवेलेंट मास ऑफ लिक्विड वाटर बाय 1 डिग्री, यानी उतने ही इक्विवेलेंट मास ऑफ लिक्विड वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी आवश्यकता पड़ती है, वो हमारी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी हमें कितना यूनिट मास के लिए हीट, कितनी हीट की आवश्यकता पर यूनिट मास के लिए, यानी पर यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट की आवश्यकता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर केजी केल्विन। हीट क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। यहां पर एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। सी इज अ स्पेसिफिक हीट। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव ओनली 1 स्पेसिफिक हीट बिकॉज देयर वॉल्यूम विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर। यानी जो सॉलिड हैं और लिक्विड हैं उनकी जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा जिसे कहते हैं, वो केवल एक तरह की होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वॉल्यूम विल नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। अगर उसका लिक्विड का या सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसीलिए उसकी स्पेसिफिक हीट एक ही तरह की होती है। बट गैस हैज 2 स्पेसिफिक हीट। लेकिन गैस की हीट 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यानी हमें यूनिट मास सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है अगर हम उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखें, तो वो कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हीट रेज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई एम सी पी डेल्टा टी। यहां पर CP is a specific heat at constant pressure. ठीक है, तो ये हीट हो जाएगी हमारे पास, इतनी हीट की हमें आवश्यकता होगी। दूसरे तरह की जो हीट होती है, that is called specific heat at constant volume. It is the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of gas through 1 degree at constant volume. यानी हमें यूनिट मास सबस्टेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता पड़ती है जब हम उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखें, तो वो हमारी कहलाती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। यहां पर सी वी जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। इट इज टू बी नोटेड दैट सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। यानी जो आपके स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। फॉर स्पेसिफिक गैस द रेशियो ऑफ सी पी एंड सी वी इज कॉन्स्टेंट एंड इज डोनेटेड बाई गे, सॉरी गामा। तो सी पी और सी वी का जो रेशियो है वो दोनों का कॉन्स्टेंट है, जिसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। यहाँ पर सी पी और सी वी क्या है? स्पेसिफिक हीट है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो फॉर एयर हम देखें तो सी पी इज इक्वल टू 1.004 किलो जूल पर के जी केल्विन और सी वी इज इक्वल टू 0.717 किलो जूल पर के जी केल्विन। अगर सी पी अपॉन सी वी निकालोगे तो गामा हमें मिलेगा 1.4। तो एयर के लिए हमारी जो स्पेसिफिक हीट जो आती है वो हमारे पास 1.4 मिलती है। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी एंथैल्पी आपके एनर्जी का मेजरमेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इक्वल टू द टोटल कंटेंट ऑफ हीट ऑफ अ सिस्टम। यानी किसी सिस्टम के हीट का कंटेंट कितना है उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है वो एंथैल्पी है। इक्वलेंट टू द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर। यानी जो आपकी एंथैल्पी है इट इज इक्वल टू द सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ये हो जाएगी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो एच इज अ एंथैल्पी, यू इज अ इंटरनल एनर्जी और पी इज अ प्रेशर और वी इज अ वॉल्यूम। लेटेंट हीट आता है इसके बाद, नेक्स्ट है लेटेंट हीट,
जिसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, लेटेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी लेटेंट हीट क्या है, किसी भी बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की जब उसकी स्टेट में कोई चेंज होता है तो उसके द्वारा उसे रिलीज की गई एनर्जी है, हीट है, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, या तो उस सब्सटेंस के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है या उस स्टेट सब्सटेंस के द्वारा एनर्जी रिलीज की जाती है, जब उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कैन बी अंडरस्टूड एज एनर्जी इन हिडन फ्रॉम विच इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज किए बिना टेम्परेचर के अवस्था को परिवर्तन करने के लिए लेटेंट हीट जो है वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है, या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस या हीट को रिलीज करेगा। तो उसकी अवस्था में जो परिवर्तन आएगा, स्टेट में जो चेंज आएगा, वो ड्यू टू लेटेंट हीट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो आपका गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो जिसमें हमने कहा था कि लिक्विड और सॉलिड की तो एक ही तरह की हीट होती है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और गैस में आपकी दो तरह की होती है। तो ये इसमें आप देखें वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। गैस अगर लिक्विड वेपराइज, लिक्विड का वेपराइजेशन होगा तो गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस का अगर कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड का अगर फ्यूजन होगा, लिक्विड का अगर फ्रीजिंग होगा तो सॉलिड में कन्वर्ट करेगा, सॉलिड का अगर फ्यूजन होगा तो मेल्टिंग में जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से सॉलिड में अगर डिपोजिशन होगा तो गैस होगा, नहीं सॉरी, गैस में अगर डिपोजिशन होगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और सॉलिड में अगर सबमिशन होगा तो गैस में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट, कि कोई भी एक सब्सटेंस, एक मटेरियल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तन हो सकती है। नाउ एनर्जी यूनिट्स एंड कन्वर्जन क्या होता है, सो एक बार देख लेते हैं एनर्जी क्या है, एनर्जी की यूनिट और उसका कन्वर्जन। जैसे 1 वाट एनर्जी 1 जूल के बराबर होगी, 1 किलोवाट एनर्जी 1000 वाट के बराबर होगा, 1 किलोवाट आर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होगा, 1 मेगा जूल 278 वाट आर के बराबर होगा, 1 वाट आर 3600 जूल के बराबर होगा, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU 252 कैलोरी, 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल, 1 BTU पर आर इक्वल टू 0.293071 वाट, 1 किलो कैलोरी पर आर इक्वल टू 1.163 वाट, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं। हम एनर्जी की यूनिट का कन्वर्जन देख रहे हैं, उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। 1 किलो ऑफ इक्विवेलेंट, दिस इज अ मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, जिसे MTOE बोलते हैं, मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ये हमने आपको स्टार्ट हो तो पहले वाले चैप्टर में ही बताया था। मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इज 10 × 10⁶ किलो कैलोरी, 1 किलोवाट आर इक्वल टू 860 किलो कैलोरी, 1 किलोग्राम चारकोल इज इक्वल टू 6900 किलो कैलोरी, 1 किलोग्राम फर्नेस ऑयल इज इक्वल टू 10050 किलो कैलोरी, डेंसिटी कितनी होगी 0.9337 kg पर लीटर, 1 किलोग्राम HSD तो 11840 किलो कैलोरी, डेंसिटी होगी इसकी 0.8263 kg पर लीटर, 1 किलोग्राम पेट्रोल 11200 किलो कैलोरी, 1 किलोग्राम पेट्रोल लेंगे तो उसका जो कैलोरी में कन्वर्जन होगा 11200 किलो कैलोरी होगा, डेंसिटी इसकी 0.7087 kg पर लीटर होगा। किलोग्राम 1 किलोग्राम केरोसिन को देखेंगे तो 11110 किलो कैलोरी मिलेगी आपको इससे, 0.7782 kg पर लीटर। 1 किलोग्राम LPG अगर करेंगे तो 12500 किलो कैलोरी, और 1 m³ नेचुरल गैस लेंगे तो 8000 से 10500 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमें LPG में, हमें 1 किलोग्राम LPG में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है किलो कैलोरी में देखेंगे तो। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट कन्वर्जन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।